पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में गोल्ड डिटेक्टर के मुतालिक चार टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट, मेटल डिटेक्टर गोल्ड डिटेक्टर किसको कहते हैं, गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर कितनी गहराई पे काम करते हैं, गोल्ड डिटेक्टर परचेज़ करने से पहले आपने किन बातों का ख्याल रखना है और गोल्ड डिटेक्टर की प्राइजेस क्या हैं पाकिस्तान में। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर किसको कहते हैं। गोल्ड डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि अंडरग्राउंड कोई भी धातु हो, ख्वा वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, उसको डिटेक्ट करती है। अलबत्ता कुछ अच्छी मशीनों में ये फंक्शंस हैं कि वो आपको पहले ही बता देती हैं कि ज़ेरे ज़मीन सोना है, चांदी है, लोहा है, क्या नहीं है। एक गलतफहमी लोगों में चाहे पाई जाती है कि गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर जेमस्टोन को डिटेक्ट करता है, डायमंड को डिटेक्ट करता है, डेजी बीट को डिटेक्ट करता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर सिर्फ़ और सिर्फ मेटल को ही डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये कि गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर कितनी डेप्थ के ऊपर काम करते हैं। डेप्थ को समझने के लिए हमें उसमें आठ चीज़ों को समझना पड़ेगा। आठ चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन है या आठ फैक्टर्स हैं डेप्थ, गोल्ड डिटेक्टर्स की डेप्थ और मेटल डिटेक्टर की डेप्थ। फर्स्ट जो है कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज़, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये मिसाल दूंगा, जिस तरह ये भी मोबाइल है, अगर ये इस शेप में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको गहराई करेगा डिटेक्टर 6 इंच, 8 इंच, वट एवर, डिपेंड अपॉन द डिटेक्टर। और यही मोबाइल इस तरह हो जाए तो ये आपको 5 फुट, 6 फुट डेप्थ डबल से 2 से 3 4 गुना बढ़ जाती है साइज़ बढ़ने से। और इसी तरह जिस तरह कॉइन होता है, सिक्का होता है, वो आपको 2 फुट, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, 3 फुट तक करेगा। लेकिन जो कॉइन से बड़ा सा कॉइन, इसी डिटेक्टर इसी डेप्थ से ही कॉइन को डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि कॉइन का साइज़ छोटा होता है। चीज़ बड़ी होगी तो ज़्यादा डेप्थ से भी डिटेक्ट करेगा। ये फर्स्ट फैक्टर था डेप्थ का। सेकंड जो है वो सॉइल मिनरलाइजेशन, कि ज़मीन कैसी है। अब ज़मीन के अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं, एक हाई मिनरलाइज सॉइल होती है, एक लो मिनरलाइज सॉइल होती है। अब हाई मिनरलाइज सॉइल का मतलब क्या होता है, जिस तरह हम मखनातीस ज़मीन के ऊपर रखते हैं, मखनातीस उठाते हैं, तो हम देखते हैं कि मखनातीस के साथ मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात लगे हुए होते हैं। वो क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन होती है। अब जब मेटल की मिनरलाइजेशन जिधर ज़्यादा होती है उसको कहते हैं हाई मिनरलाइज सॉइल, जिधर मेटल की मिनरलाइजेशन कम होती है उसको हम कहते हैं लो मिनरलाइज सॉइल। अब ऐसा होता है कि डिटेक्टर्स जहाँ पे हाई मिनरलाइज सॉइल होगी वहाँ पे डेप्थ कम करेंगे, जहाँ पे लो मिनरलाइज सॉइल होंगे वहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस को रीच करेंगे। थर्ड जो ऑप्शन आ जाता है कि ऑब्जेक्ट कितने अरसे से ज़मीन में है। ऑब्जेक्ट जितना पुराना ज़मीन के अंदर दबा रहेगा वो इतनी ही डेप्थ से उसको डिटेक्ट करेगा। वो उसकी वजह ये होती है कि जो मेटल होता है जब ज़मीन के नीचे दबा रहता है उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, एक रेडिएशंस पैदा हो जाती हैं जिसको डिटेक्टर बहुत डेप्थ से डिटेक्ट कर लेता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर में हम डिस्कस करते हैं कॉयल का साइज़। ये एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको देखने से कैसे पता चलेगा इस डिटेक्टर की कितनी डेप्थ होगी, इस डिटेक्टर की कितनी डेप्थ होगी। मशीन के अंदर तो अपनी कैपेबिलिटी होती है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कॉइल का साइज़ एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है डेप्थ में। मिसाल में अगर आपको दूँ, कॉइल का साइज़ 5 इंच का भी होता है, 8 इंच, 10 इंच, 11 इंच स्टैंडर्ड साइज़ होता है। ये 11 इंच का स्टैंडर्ड साइज़ है कॉइल का। अब ये जब 11 इंच के साइज़ है, ये आपको डेप्थ 3 फुट, 2 फुट, डिपेंड अपॉन द वो फैक्टर्स जो डेप्थ के फैक्टर्स हैं ये। और इसी से हम अगर बड़े साइज़ कर लें, ये इसे बड़ी आपको कॉइल, इसके बाद फिर अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं ये 15 इंच की कॉइल आ जाती है, ठीक है। और इवन 15 इंच की कॉइल, जो जो कॉइल का साइज़ बढ़ता जाएगा डेप्थ ज़्यादा इंक्रीज होती है। ये पॉसिबल नहीं है कि 5 इंच की कॉइल जो है वो आपको 3 मीटर तक डेप्थ दे, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें ये 17 इंच की कॉइल है, अब इसमें अगर मैं और अगर ऊपर जाऊँ तो ये आपको 22 इंच की कॉइल आपको मिलेगी। और इवन 1 मीटर बाय 1 मीटर की भी कॉइल्स मार्केट में हैं, 2 मीटर बाय 2 मीटर की भी कॉइल मार्केट में। लेकिन एक बात याद रहे, कॉइल जितनी छोटी होती है उसकी डेप्थ तो कम होती है लेकिन वो बहुत सेंसिटिव होती है, वो छोटी से छोटी चीज़ें भी डिटेक्ट करती है। कॉइल का साइज़ जो ही जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो छोटी चीज़ें इग्नोर करते हैं। ये एक मतलब है लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी की। जो जो कॉइल का साइज़ बड़ा होगा वो डेप्थ तो करेगी, उसका एडवांटेज तो यहाँ पे आपको मिलेगा, लेकिन आपको नेगेटिव ये होगा कि वहाँ पे ड्रॉबैक ये होगा कि वहाँ पे आपको छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह आप बहुत बड़ी कॉइल लगा दें 1 मीटर बाय 1 मीटर की कॉइल लगा, वो आपको कॉइन्स वगैरह वो डिटेक्ट नहीं करेगी।
उसका नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर आ जाता है वो है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का क्या होता है कि जहाँ पे बिजली की तारें होंगे, बिजली के पोल होंगे, बेशक अंडरग्राउंड बिजली की तारें हों या ओवर हेड हो, जो भी बिजली की तारें होंगी उसकी वजह से आपके जो डिटेक्टर की डेप्थ है वो कम होगी। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी वहाँ पे आपके डिटेक्टर की डेप्थ ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंपोजिशन ऑफ मेटल। मेटल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये भी एक डिटेक्टर की डेप्थ में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह एक कोई टारगेट है जो 5 फुट के ऊपर है और उसकी जो डेप्थ है वो एक तरफ गोल्ड है और एक तरफ आयरन है, दोनों के ऊपर डिफरेंट डेप्थ देगा। उसके बाद एक और फैक्टर आ जाता है ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस एक नहायत ही अहम किरदार अदा करता है डेप्थ में। ग्राउंड बैलेंस चीज़ क्या होती है, जिस तरह अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि सॉइल हाई मिनरलाइज सॉइल क्या होती है कि जिसमें मेटल की मिनरलाइजेशन ज़्यादा हो, या मैं ये कहूँ कि मेटल की मिकदार जो है सॉइल के अंदर ज़्यादा हो उसको हाई मिनरलाइज सॉइल कहते हैं। ग्राउंड बैलेंस क्या करता है, जो मेटल जो सॉइल के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन है उसको कैंसिल करता है ग्राउंड बैलेंस, उसको हम ग्राउंड बैलेंस कहते हैं। या अगर मैं आसान अल्फाज में ये कहूँ, डिटेक्टर को और ज़मीन को दोनों को आपस में कंपेटेबल बनाने के लिए ग्राउंड बैलेंस किया जाता है। लास्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिटेक्टर्स में ये चीज़ देखी जाती है कि डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाई फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होगी उसकी डेप्थ कम होगी, वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। लो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर होगा उसकी डेप्थ ज़्यादा होगी। ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये डेप्थ डिटेक्टर की डेप्थ डिटरमाइन करने के लिए होती हैं। इसके अलावा छोटे भी फैक्टर्स हैं, सेकेंडरी फैक्टर, इवन आपके मोबाइल के सिग्नल से भी डेप्थ में फ़र्क पड़ता है और आसपास मेटल्स हों उनसे भी डेप्थ में फ़र्क पड़ता है। ये डेप्थ के तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फैक्टर्स हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक के ऊपर जाते हैं कि आपने गोल्ड डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर परचेज करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ये है कि आपने ऑथराइज डीलर से ही परचेज करनी है। उसकी वजह यह है कि आपको वापस वारंटी में आसानी होगी और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कंफर्मेशन होगी। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करना है कि मेटल डिटेक्शन में चाइना प्रोडक्ट रिकमेंडेड नहीं है। थर्ड जो है, जो सबसे अहम और ख़ास चीज़ जिसमें लोग बहुत धोखे में आ जाते हैं, लॉन्ग रेंज लोकेटर्स। लॉन्ग रेंज लोकेटर्स तमाम एंटीने वाली मशीनें हैं, जो भी एंटीने वाले जितने डिटेक्टर्स हैं वो, ये मैं अभी आपके पेज के ऊपर, अगर ये विकीपीडिया का अगर आप पेज देख रहे हो तो इसके ऊपर पहली लाइन लिखी हुई है, अ लॉन्ग रेंज लोकेटर इज़ द क्लास ऑफ फ्रॉडलेंट डिवाइसेज इन द मार्केट। ये जो है डिवाइसेज हैं ये एक फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं। आज तक इन डिटेक्टर से किसी को कोई भी कामयाबी नहीं हुई। ये हम एज़ ये आपको काफ़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, बना रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, इनके रिजल्ट्स नहीं है हमारे नज़दीक। और हमने बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर उनको इंपोर्ट करके डिलीवर भी किए हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स नहीं हैं। मैं भी आपको ये एक लॉन्ग रेंज लोकेटर दिखा रहा हूँ, ये अगर आप देख सकें ये। अब ये तमाम जितने भी एंटीने वाले जितने भी डिटेक्टर्स हैं, ये कहते हैं ये मूव होता है, ये तमाम सारी चीज़ जो बंदे की इनकी यहाँ पे मूवमेंट है, क्लाई में मूवमेंट है, इसकी जो एक्यूरेसी है, विकीपीडिया के पे आपके लिए रेफरेंस के लिए लिंक मैंने लगा दिए विकीपीडिया का, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा कि इसमें डिटेल में पूरी जो थ्योरी, जिस थ्योरी के ऊपर ये काम करते हैं वो थ्योरी साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये अगर आप ये कंप्लीट डिटेक्टर्स होते हैं, ये इस तरह के डिटेक्टर्स होते हैं। आपको चाइना वाले भी मिलेंगे, जर्मनी वाले भी हैं, यूएसए वाले भी, बहुत ममालिक बना रहे हैं, लेकिन इसकी रिजल्ट्स जो हैं वो मैंने प्रूफ के लिए, और अगर आप और मज़ीद भी अगर आप सर्च करें, आप अगर मज़ीद भी सर्च करें तो आपको काफ़ी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, और हो सकेगा तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक्स भी लगा दूंगा। अब लास्ट टॉपिक है कि गोल्ड डिटेक्टर की पाकिस्तान में प्राइसेस क्या हैं। प्राइसेस डिपेंड करती हैं डिटेक्टर्स की। अब डिटेक्टर्स को हमने समझने के लिए उसको 4 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया है, एक बिगनर लेवल, एक एडवांस लेवल, एक डीप सीकिंग लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल। हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिगनर लेवल से। बिगनर लेवल की पहचान क्या होती है, इसके जो कॉइल का साइज़ होता है ये बिल्कुल छोटा होता है, और ये एज आ फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर या एज आ आप जस्ट हॉबी पर्पज़ के लिए, आपको एक शौक है वो चेक करने के लिए बिगनर डिटेक्टर्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं। अब इसमें बिगनर डिटेक्टर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्या प्राइस टैग हैं, ये अगर अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ये आपकी प्राइस जो बिगनर लेवल का डिटेक्टर है वो तकरीबन 15-20 हज़ार से लेकर 1 लाख के दरमियान तक होता है। इसकी जो गहराई होती है वो तकरीबन आपको 1 मीटर मिलती है। इनके इसके अंदर ग्राउंड बैलेंस नहीं होता। ग्राउंड बैलेंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्राउंड बैलेंस जो सॉइल के अंदर मेटल की मिनरलाइजेशन है उसको कैंसिल करने के लिए ग्राउंड बैलेंस किया जाता है। जो डिटेक्टर सॉइल में मिनरलाइजेशन कैंसिल नहीं कर पाते वो मैक्सिमम डेप्थ को रीच नहीं करते।
इसमें पिन पॉइंटर भी हैं, कुछ डिटेक्टर्स हैं जिनमें पिन पॉइंटर भी हैं, पिन पॉइंटर नहीं है। कॉयल का साइज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 5 इंच से लेकर 11 इंच तक इनके कॉयल का साइज़ होता है। और इनमें बड़ी कॉयल नहीं लगती, इनमें जो अपने साथ कॉयल आती हैं ज़्यादातर वही कॉयल लगती हैं, इनमें आप बड़ी कॉयल नहीं लगा सकते, डेप्थ आप इनमें इंक्रीज़ नहीं कर सकते। और डिटेक्टर टेक्नोलॉजी इसमें VLF टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ कि आपको लोहे में, सोने में, चांदी में फ़र्क करना, कुछ डिटेक्टर्स हैं करते हैं, कुछ डिटेक्टर्स हैं इस लेवल में नहीं करते। और गहराई ये डिटेक्टर आपको नहीं बताते। और इनका जो डिस्प्ले होता है वो जो 50-60,000 से जो कम आते हैं एनालॉग वाले, वो सुई वाले जो डिटेक्टर्स होते हैं, और जो ऊपर अच्छे वाले होते हैं वो डिजिटल डिटेक्टर्स होते हैं। वारंटी, इनकी वारंटी भी होती है, स्पेयर पार्ट्स भी होते हैं, और ये वाटरप्रूफ नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है एडवांस लेवल, एडवांस लेवल के जो डिटेक्टर्स होते हैं उनकी प्राइजेस तकरीबन 1.25 लाख, लाख से स्टार्ट होती हैं, 2.5 लाख के ऊपर जाती हैं तकरीबन। डिपेंड करता है कि उसके साथ आपके कॉइल के साइजेस, कॉइल कितनी लगी हुई हैं, उनके साइजेस क्या हैं और उनके अंदर कितने फंक्शंस हैं। और इनकी जो डेप्थ होती है वो तकरीबन 1-2 मीटर तक होते हैं, और अगर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हो तो 3 मीटर भी, डिपेंड करता है। जो डेप्थ के फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके अंदर ग्राउंड बैलेंस होता है, पिन पॉइंटर भी होता है, कॉइल साइज़ 11 इंच से लेकर 17 इंच तक इनकी कॉइल के साइजेस लगते हैं। और ये इनके साथ बड़ी कॉइल लग जाती है, बड़ी कॉइल लगने का मतलब ये होता है कि जिस तरह 11 इंच की उसकी स्टैंडर्ड कॉइल आती है, आप बड़ी कॉइल लगा के उसके साथ 15 इंच की लगा सकते हैं, 17 इंच के साथ लगा सकते हैं अगर वो कंपेटिबल है। ये भी टेक्नोलॉजी VLF टेक्नोलॉजी है। और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये तमाम डिटेक्टर्स जो होते हैं, ये इजीली फ़र्क कर सकते हैं। और इवन अगर आप आईडी फिल्टर लगाना चाहें, आईडी फिल्टर क्या चीज़ होती है कि आप चाहते हैं कि लोहे के ऊपर ना बोले, सिर्फ बाकी सोना चांदी तांबे के ऊपर बोले, तो वो भी आप इसमें फंक्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। और डेप्थ इंडिकेटर जी बिल्कुल, जो आपको डेप्थ भी बताते हैं। डिस्प्ले, इनका डिस्प्ले जो है वो डिजिटल होता है, ये वारंटी में होते हैं, और उनके स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, और मोस्टली ये डिटेक्टर आपको वाटरप्रूफ मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डीप सीकिंग डिटेक्टर्स। डीप सीकिंग डिटेक्टर्स वो होते हैं जिनकी डेप्थ 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर होती है। प्राइजेस जो होती हैं वो 2.5 लाख से तकरीबन स्टार्ट होते हैं, और 8 लाख तक इनकी प्राइजेस तकरीबन जाती है। इनमें ग्राउंड बैलेंस होता है, पिन पॉइंटर नहीं होता, कॉइल का साइज़ 18 इंच से लेकर 78 इंच तक, मतलब इवन इससे भी ज़्यादा कॉइल के बड़े साइज़ इसमें इनके साथ अटैच हो जाते हैं। और इसमें जो डिटेक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा पल्स इंडक्शन यूज़ होती है, और VLF भी कुछ डिटेक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली पल्स इंडक्शन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो, ये डिटेक्टर ज़ाहिर है जब जो चीज़ ज़्यादा डेप्थ पे होगी उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम्प्रोमाइज़ होती है। बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, जो कंपनीज़ क्लेम करती हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते। डेप्थ कुछ डिटेक्टर्स बताते हैं, कुछ डिटेक्टर्स नहीं बताते। डिस्प्ले इनका 3D ग्राफ में होता है, जो टैबलेट्स, मोबाइल, लैपटॉप के साथ अटैच होते हैं। इवन कुछ डिटेक्टर्स हैं जिनकी बिल्ट इन अपनी LCDs वगैरह होती हैं। और वारंटी इनकी होती है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, और ये मोस्टली वाटरप्रूफ नहीं होते। लास्ट जो कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल डिटेक्टर्स। प्रोफेशनल लेवल के डिटेक्टर्स कोई भी फर्स्ट गो में नहीं लेता, ये वो ही होते हैं जो जिनके पास फुल एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, और प्रॉपर जो एक सर्विंग के टूल के तौर के ऊपर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये नॉर्मल डिटेक्टर्स तो नहीं हम इनको कह सकते, ये एक स्कैनर्स होते हैं, एनालाइज़र होते हैं, रडार कह सकते हैं हम इनको। और इनकी डेप्थ जो होती है वो 12 फीट 30 25, डिपेंड करता है कि वो कौन सा डिटेक्टर लिया जा रहा है और कि किस उसमें लिया जा रहा है। इसकी प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन आपको 1 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन, डिपेंड करता है आपको कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा क्या आपको फंक्शंस चाहिए उसमें। और इसमें पिन पॉइंटर भी होता है, और इसमें कॉइल्स नहीं होते, इसमें सेंसर्स होते हैं, या मैं ये कहूँगा इसमें रडार टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और जो इसमें डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं कुछ डिटेक्टर्स, कुछ नहीं करते, लेकिन इसका जो डिस्क्रिमिनेशन का जो जो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम है वो 3D ग्राफ से आपको डिस्क्रिमिनेशन, उसकी कलर कम्बिनेशन से आपको डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ती है। और डेप्थ इंडिकेटर बिल्कुल, इसमें डेप्थ भी इंडिकेटर भी है, इसका जो डिस्प्ले है वो 3D ग्राफ है, और वारंटी भी है, स्पेयर पार्ट्स भी हैं, और मोस्टली ये डिटेक्टर वाटरप्रूफ नहीं होते। आपने भी कोई बात पूछनी है तो ये डायरेक्ट हमारा नंबर है, आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।